अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज शुक्रवार को भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ होगा। इस देव महाकुंभ में 300 से ज्यादा देवी देवता और हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिरकत करेंगे। सभी देवी देवता ढालपुर मैदान में बनाए गए अस्थाई शिविरों में विराजमान होंगे। बता दें कि भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर भी शिरकत करेंगे। हालांकि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की वजह से सीएम जयराम ठाकुर इस बार रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं दशहरा उत्सव को लेकर गुरुवार की शाम तक ज्यादातर देवी देवता कुल्लू पहुंच गए हैं। शुक्रवार को रथ यात्रा से पहले सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ के दर पर शीश नवाएंगे। इसके बाद भगवान रघुनाथ को छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ढोल नगाड़ों के साथ रथ में ढालपुर मैदान तक लाएंगे। आइए जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का इतिहास। कुल्लू में जब राजा जगत सिंह को कोड़ निकला था, टिपरी में जो दुर्गादत्त ब्राह्मण थे, दुर्गादत्त ब्राह्मण की जो पारिवारिक हत्या हुई उसके दोष में फुहारी बाबा को वहां से लाया गया अयोध्या से राम जी को, और ये 369 दशहरा चला हुआ है जिसमें ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। कुष्ठ रोग से ग्रसित राजा जगत सिंह को झीड़ी के प्योहारी बाबा किशनदास ने सलाह दी थी कि वे अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रामचंद्र, माता सीता और राम भक्त हनुमान की प्रतिमा लाकर कुल्लू के मंदिर में स्थापित करें और अपना राजपाट भगवान रघुनाथ को सौंप दें। इससे उन्हें भ्रम हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और बाबा के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा। दामोदर दास साल 1651 में रघुनाथ और माता सीता की प्रतिमा लेकर मकडाह गांव पहुंचे और साल 1660 में इसे पूरे विधि विधान के साथ कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। राजा ने अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया और खुद उनके छड़ीबरदार बन गए। इसके बाद कुल्लू के 365 देवी देवताओं ने भी श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट मान लिया। आज भी जगत सिंह के वंशज सदियों पुरानी देव परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ईटीवी भारत हिमाचल प्रदेश के लिए कुल्लू से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट।